हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके पास, और उसका हमने आपके पास अब तक मेन एक्सरसाइज कर ली है, और आज से हम कर रहे हैं आपके पास विविध प्रश्नावली यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको वैल्यू निकालनी है आईटे की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आईटे की होल पावर 25, और इस होल का क्या है क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं ये कर रहा हूँ, इस अंदर वाले भाग को सिंप्लीफाई करूँगा, देखिए किसी प्रकार से सॉल्यूशन में। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है आईटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आईटा की पावर 25, और इस होल की पावर है 3। तो ये जो होल क्यूब है उसके से पहले मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करूँ। सिंप्लीफाई करना कि इसको सरलतम रूप में लिखेंगे पास। तो देखिए हम क्या करते हैं, चार के गुणज प्लस कॉन्स्टेंट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा आईटा की पावर 18 को मैं लिख देता हूँ 4 × 4 + 2, अभी बस 18 ही है, 4 से कुछ 16 + 2 = 18। ठीक, प्लस ये 25 वन पे जाएगा और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो वन तो वैसे ही रहेगा, पर आईटा के साथ जब 25 आएगा तो उसको भी मैं इस जैसे इसमें 18 को थोड़ा वो भी वैसे हो जाएगा। देखो 4 × 6, 6 से कुछ 24 + 1, ये हो गया 25, और इसका होल क्यों। तो जब मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ हो रहा है आईटा की पावर 4 × 4 × आयटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस इसी प्रकार डिनोमिनेटर में हो जाएगा आयटा की पावर 4 × 6 × आयटा, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, अब मुझे मालूम है कि आयटा की पावर 4 के इक्वल टू हमें से क्या होता है 1, तो वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा, ये पूरा तो हो जाएगा 1 क्यूल किया जाएगा आई स्क्वायर, और इसके अतिरिक्त आयटा स्क्वायर इक्वल टू ऊपर स्क्वायर होता है आपको मालूम है -1, तो हो गया -1। प्लस इधर भी देखेंगे तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाए तो ये हो गया 1, और ये रह गया आपके पास केवल आइटा, केवल ये इतना रह गया आपके पास। तो ये इस प्रकार से आपके पास बच रहा है इसका होल क्यूब भी है, तो आपके पास बचा -1 + 1 / आइटा आपके पास। ठीक, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो किस प्रकार से आपके पास, तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास है उस इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करने वाले हैं इसको। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस वाला जो पीछे वाला भाग है इसको ना इसमें आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -1 + आइटा / आइटा² ये कुछ ऐसा हो जाएगा उसका होल क्यूब। अब आपको मालूम है आइटा का स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी रखा था, वो भी आपके पास -1, तो ये भी -1 हो जाएगा आपके पास, इसके कारण नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास हो रहा है -1 - आइटा का होल क्यूब। और इसके बाद हमको मालूम है कि ए माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको हम व्यक्त करेंगे आपके पास, तो वो हो जाएगा देखिए, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठीक है ये ए हो गया, ये माइनस आइटा, तो ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के अनुसार देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी -1 का क्यूब। ठीक, अब माइनस वाला है तो -3 a² × b, फिर +3 - 1 × i² और फिर लास्ट में -i² का क्यूब। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, तो -1 का क्यूब मुझे मालूम है क्या होता है -1 ही। अब इसको सिंपलीफाई करना तो ये -1 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 i². अब इसमें देखिए आइटा स्क्वायर और था -1, और ये भी -1, तो आ जाएगा +3, और यहाँ पर था -i³। और आइटा क्यूब अगर आपको याद हो तो आइटा स्क्वायर × आइटा, तो आइटा स्क्वायर तो होता है -1, तो -1 का +1 और साथ में क्या रह गया आइटा, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। जब इसको सिम्प्लीफाई कर तो आपके पास हो रहा है 2 - 2 आइटा। तो हमने क्या कर दिया, इसको सरलतम रूप में लिख दिया, जो कि क्या प्राप्त हो रहा है 2 - 2 आइटा। करना क्या आपके पास, बस जो आपने आइटा की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि याद रखना आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आइटा क्यूब इक्वल टू लिखते हैं आइटा स्क्वायर × आइटा, यानी इसका मान क्योंकि -1 तो -i, और आइटा की पावर 4 इक्वल टू में से क्या होता है 1। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हुए आपके पास इसको सरलतम रूप में लिखा गया। पहले पहले ये जो आपके पास अंदर जो क्यूब के अंदर जो भाग था इसको पहले मैंने ए प्लस आइटा के रूप में, मतलब जो सम्मिश्र संख्या का मानक रूप है उस रूप में व्यक्त किया, और उसके बाद उसका क्यूब जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब -3 a² b +3 ab² और -b³। तो उससे इसका यूज़ करते हुए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसका सरल इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 2 - i,
टू माइनस टू आएगा, ठीक। तो ये बहुत सरल रूप है, क्वेश्चन सिंपल ही है बस, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपको ये एक सम्मिश्र संख्या दिया है जिसको आपको मानक रूप में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? मानक रूप। मानक रूप मतलब ए प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो हम करेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हमारे पास दिया हुआ है वन अपॉन वन माइनस फोर आइटा माइनस टू अपॉन वन प्लस आइटा इंटू थ्री माइनस फोर आइटा अपॉन फाइव प्लस आइटा, ये इस प्रकार से। तो एक तरीका तो ये कि आप पहले इन तीनों को ही अलग अलग करके, तीनों को अलग अलग क्या करें, आपके पास रैशनलाइजेशन या प्रमेयकरण के द्वारा इनको है ना मानक रूप में लिख लीजिए, बाकी उनकी वैल्यू रख लीजिए, ठीक। एक तरीका तो ये है। दूसरा आपके पास है, जो हमने अभी तक जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके आधार पर जैसे अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया है, उसी हिसाब से जैसे प्रमेय संख्याओं को सिंप्लीफाई करते हैं, उसी प्रकार से इनको इन दोनों का माइनस और उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ निकाला जा सकता है, ठीक। तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा वन माइनस फोर आइटा इंटू वन प्लस आइटा, और ऊपर हो जाएगा देखिए ये मल्टीप्लाई यहाँ वन प्लस आइटा, और ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो देखो ना माइनस टू है तो जाएगा माइनस टू और माइनस का प्लस एट आइटा, ये इस प्रकार से होगा। और इनटू में आपके पास हो रहा है थ्री माइनस फोर आइटा अपॉन फाइव प्लस आइटा, ये इस प्रकार से हो रहा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो देखिए ऊपर तो आपके पास हो जाएगा वन माइनस टू, यानी आपके पास कितना हो गया सिंपली माइनस वन, और ये जुड़ रहा है तो प्लस नाइन आइटा होल अपॉन। जब इसको सिंप्लीफाई करो देखो वन मल्टीप्लाई होगा वन से वन प्लस आइटा, फिर माइनस फोर आइटा गुणा होगा तो माइनस फोर आइटा, और देखिए यहाँ पर होता है माइनस फोर गुणा फोर आइटा गुणा आइटा, तो आइटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस वन इसका हो जाएगा प्लस फोर आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से आ रहा है, और इंटू थ्री माइनस फोर आइटा अपॉन फाइव प्लस आइटा। तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास प्राप्त हो रहा है माइनस वन प्लस नाइन आइटा अपॉन, ये सिंप्लीफाई करना देखो वन प्लस फाइव, वन प्लस फोर कितना हो गया फाइव, और आइटा माइनस फोर आइटा हो गया थ्री आइटा। अब इसको गुणा करना है आपके पास किससे, ये जो इधर है थ्री माइनस फोर आइटा अपॉन फाइव प्लस आइटा। अब हमको मालूम है गुणा कैसे होता है, ऊपर वाला भाग हर हर से गुणा होगा और अंश अंश से, ठीक है। तो अंश को अंश से गुणा करना और हर को हर से गुणा करना है, तो देखते हैं कितना मिलता है आपके पास। देखिए पहले ये गुणा होगा माइनस वन गुणा होगा इससे, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन का प्लस फोर आइटा, फिर प्लस नाइन आइटा गुणा होगा तो नौ तिया सत्ताईस आइटा, और ये तो नौ चौको छत्तीस तो रहा था पर माइनस में, पर यहाँ पर आइटा गुणा आइटा होगा तो आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस ये हो गया छत्तीस, ये तो ऊपर वाला गुणा हो गया। नीचे भी जब गुणा करें तो देखिए किस प्रकार से हो रहा है, पाँच गुणा होगा पहले तो पाँच बजे पच्चीस प्लस फाइव आइटा माइनस पाँच तिया पंद्रह आइटा, और माइनस अब देखो यहाँ पर माइनस थ्री आइटा गुणा होगा आइटा से तो हो जाएगा माइनस थ्री आइटा स्क्वायर, और आपको मालूम है आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस वन के प्लस क्या हो जाएगा प्लस थ्री। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है देखिए ये ऊपर वाला भाग तो हो गया माइनस थ्री प्लस थर्टी सिक्स यानी तैतीस, और ये दोनों जुड़ रहे हैं तो आपके पास देखिए कितना हो रहा है सत्ताईस प्लस चार हो गया आपके पास इकतीस आइटा, या आप ये हो गया इकतीस आइटा होल अपॉन। डिनर में देखे तो पच्चीस प्लस तीन हो गया अट्ठाईस, और ये आपके पास फाइव आइटा माइनस फिफ्टीन आइटा हो गया माइनस टेन आइटा, तो ये मुझे प्राप्त हुआ। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा था, पर अभी भी आप देखें तो ये मानक रूप ए प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त नहीं है। तो उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी जो डिनोमिनेटर है उसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, थर्टी थ्री प्लस थर्टी वन आइटा अपॉन अट्ठाईस माइनस टेन आइटा आया था, तो इसके संयुग्मी से गुणा कर रहा हूँ तो ये हो रहा है अट्ठाईस प्लस टेन आइटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाएगा। इसकी मदद से देखो क्या मिलता है आपको पास, तो ऊपर तो जब गुणा कर रहे हैं तो गुणा कैसे होता है, जैसे इससे पहले गुणा क्या उसी प्रकार से होगा, ये गुणा होगा इससे तो आपके पास अट्ठाईस गुणा तैंतीस आपके पास हो रहा है नाइन ट्वेंटी फोर प्लस, फिर ये गुणा फिर इससे भी होगा तो थ्री थर्टी
आइटा, फिर 31 गुणा ये भी करेंगे तो कैसे हो रहा है 868 आइटा, और ये गुणा इससे हो रहा है तो ध्यान देना यहाँ पर तो 310 आइटा हो रहा, आइटा स्क्वायर हो रहा है, पर आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो पास प्राप्त हो जाएगा -330 अपॉन, डिनोमिनेटर तो सिंपल है, ए माइनस बी था और ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर -10 आइटा का स्क्वायर, तो ये मुझे प्राप्त होगा आपके पास। तो मैंने किया क्या, केवल पहले इसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जब ये प्राप्त हो रहा है मुझे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर, पर यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ रही है, आइटा स्क्वायर की, हमेशा जहाँ पर भी आइटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा -1, इसका यूज़ कर रहे हैं जगह जगह पर। यहाँ पर भी देखो जब सिंप्लीफाई कर रहे थे तो 4 आइटा गुणा आइटा और था ना -4, तो -4 आइटा स्क्वायर होता, पर आइटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस, इसलिए क्या हो गया +4 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, तो मुझे वो सरल करके कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये है 924 माइनस 310, तो जब 924 में से 310 माइनस करके कितना हो रहा है 614, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके पास हो रहा है +1198 आइटा होल अपॉन, अब ये 28 का स्क्वायर आपके पास मालूम है 784, अब ये था 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, पर आइटा स्क्वायर हो जाएगा तो आइटा स्क्वायर का तो माइनस प्लस हो जाएगा +100, तो आपके पास प्राप्त हो रहा है। देखिए ऊपर से कुछ उभयनिष्ठ आ सकता है, ये तो आपके पास दो तो उभयनिष्ठ आ ही रहा है, कुछ नहीं था बस, ठीक है। तो ये हो रहा है 307 प्लस 599 आइटा होल अपॉन, और ये जुड़ के कितना हो जा रहा है पास, देखिए ये हो जा रहा है 884, तो इस प्रकार से आपके पास आ रहा है। अब इस 2 से 884 इजीली कट सकता था, आपके पास हो गया 307 प्लस 599 आइटा होल अपॉन, जब इसको काटेंगे तो आपके पास कितना हो रहा है 442, तो ये इस प्रकार से आपके पास आ गया मानक रूप में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा 307/442 ए हो गया प्लस आइटा 599/442, तो यह इस प्रकार से आपके पास जो दिया हुआ आपके पास व्यंजक था वो अब किस में चेंज हो गया है, मानक रूप में परिवर्तित हो चुका है आपके पास, ठीक। अब आपके पास एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10वां, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आपके पास हैं कुछ सरल से ही आपके पास हैं, द्विघाती समीकरणों के हल याद करने वाले, तो बाकी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आपके पास, ये दो सम्मिश्र संख्याएं दी हुई हैं, इनके लिए आपको वैल्यू निकालनी है z1 + z2 + 1 / z1 - z2 + i का मापांक निकालना है, मॉड का मतलब मापांक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ज्ञात करेंगे, z1 + z2 + 1 और z1 - z2 + 1, देखो सॉल्यूशन, इफ z1 = 2 - i और z2 = 1 + i, तो देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ z1 + z2 + 1, तो दोनों का योग है +1 + i और उसमें +1 होना है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखो आइटा माइनस आइटा कितना हो गया, तो कैंसिल हो गया, आपके पास हो रहा है 2 + 1 + 1 यानी 4, तो इसको ये एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखूंगा तो +i 0, ये इस प्रकार से पहला भाग मिल गया आपको। इसी प्रकार z1 - z2 + i ये आपके पास है, इसको जब कैलकुलेट करता हूँ देखो 2 - i -1 + i + i, अब जरा सिंप्लीफाई करें देखिए क्या हो रहा है, तो ये 2 - 1 हो गया 1, ये -i, ये -i आपके पास था तो -2 i था, पर +i करेंगे माइनस केवल आइटा, तो ये आपके पास पहला मैंने वो भाग निकाला और दूसरा आपके पास ये भाग निकला, ठीक। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है z1 + z2 + 1 तो हो गया 4 + i 0, और जो दूसरा भाग था आपके पास z1 - z2 + i वो प्राप्त हो रहा है 1 - i, तो जो कैलकुलेट कर रहा है उसको देखिए आपके पास, अब आपके पास आपको निकालना है मापांक z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + i, इसका मापांक निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि मापांक z1 / z2 = होता है मॉड ऑफ z1 / मॉड ऑफ
जेड टू, ये एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसी के आधार पे मैं कह सकता हूँ, यानी ये कुछ और नहीं, ये इक्वल हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस वन का मापांक अपॉन मॉड जेड वन माइनस जेड टू प्लस आईटा का मापांक, यानी इसका मापांक निकालना। और मापांक कैसे निकालते हैं आपको मालूम, देखो इसका मापांक ये ए और बी है, तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन, इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो ये भी ए प्लस आईटा बी के रूप में लिखेंगे ना, तो ये आपको लिख सकते हो वन प्लस आईटा माइनस वन ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो ऊपर तो आपके पास सीधे सीधे आ रहा है सोलह का स्क्वायर मतलब चार अपॉन, ये हो गया वन का स्क्वायर वन, और ये भी वन का स्क्वायर मतलब वन, वन प्लस वन मतलब रूट टू, तो बस प्राप्त हो रहा है टू रूट टू। तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रहे, नहीं तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपने ये रखा तो ये आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप पहले इसको क्या कर दो, इसको लिख दो आप किस रूप में, ये हो जाएगा फोर अपॉन वन माइनस आईटा, ये आया। तब इसको आप मानक रूप में लिख लीजिए, मानक रूप मतलब इसका परिमेयकरण करके इसको ए प्लस आईटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए, तो एक आपको क्या मिलेगा सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। अब सम्मिश्र संख्या का मापांक तो हमको मालूम है, अगर सम्मिश्र संख्या है जेड इक्वल टू ए प्लस आईटा बी तो उसका मापांक होता है मॉड जेड इक्वल टू होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ना, ए प्लस आईटा बी, यहाँ पर भी ए प्लस आईटा बी, उसके आधार पर मापांक क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल ही आपके पास है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए आपके पास, तो इसमें आपके पास दे रखा है एक सम्मिश्र संख्या ए प्लस आईटा बी के रूप में, ये तो आपको प्रूफ करना है, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आने वाला है, ये हमको ये सिद्ध करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो दिया हुआ आपके पास है इसको, उसका जो राइट साइड ना, इसकी मदद से मैं ए और बी का मान निकालूँगा। देखो ऊपर ए प्लस आईटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आईटा का स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और उसको किस रूप में लिख रहा हूँ, ए प्लस आईटा बी के रूप में व्यक्त करता हूँ। मैं नीचे तो आईटा पे आधारित नहीं है तो ऊपर है, तो इसका मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, देखो क्या मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये प्राप्त हो रहा है। तो यानी सिंपली आपके पास जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस आईटा स्क्वायर होता है क्या, आपको मालूम है आईटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा प्लस आईटा टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कुछ ऐसा हो गया, ये ए प्लस आईटा बी का मान है, ठीक। इसी प्रकार से जब मैं इसको मानक रूप में लिखना चाहता हूँ, मतलब इस रूप में लिखना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस आईटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आईटा टाइम्स ऑफ टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये इस रूप में व्यक्त हो गया। तो अब ये सम्मिश्र संख्या इसके बराबर है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, यानी ए बराबर रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही रहा होगा, ठीक। और बी इक्वल टू रहा होगा टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने ए और बी का मान निकाल लिया इसकी मदद से, तो जो मुझे सिद्ध करना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये। तो हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो आपके पास सीधे क्या मिल जाएगा, ये मिलने वाला, देखो किस प्रकार से। तो हमने ए और बी ज्ञात किया था आपके पास, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है उसके लिए देखिए मैं निकालूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो क्या होगा, ऊपर वाला जो है उसका वो ये जो टू है ये दोनों में डिशो, नीचे भी और ऊपर का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, मतलब एलसीएम में आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर होल अपॉन ऊपर वाला जो था इसको मैं स्क्वायर से खोलता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
यानी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही, और ये प्लस में, सॉरी माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x2। जब इसका स्क्वायर खोला तो ये आया था, जब मैं इसको सरल करूँ तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x2 प्लस 1 होल अपॉन 2x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो मुझे चाहिए था, देखो यहाँ पर प्राप्त जा रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का, और नीचे तो आ ही रहा है 2x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल है क्वेश्चन, हुआ है बस आपको जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम ए, और उसकी मदद से हमने उसको पहले क्या किया, मानक रूप में चेंज किया था ए प्लस आइटा बी के रूप में, तो मुझे ए और बी प्राप्त हो चुका है। तब ए और बी प्राप्त हो जाए तो आपको कहा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, तो हम इजीली ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, आपको बता दिया गया कि ये जो है ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है -6 -24 आयटा का। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आने वाले जो एक्स वाई है ना वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पास दिया हुआ क्या है, आपको कहा गया आपके पास है एक्स माइनस आइटा वाई इंटू 3 + 5 आइटा, ये है कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आइटा, इसका इसका कॉन्जुगेट है ये। अब आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, संयुग्मी। अब इसमें करेंगे क्या, इसको जब -6 - 24 ए प्लस आइटा बी का कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आइटा बी, तो ए ये है और प्लस के रूप में लिखो तो -24 था, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास हो रहा है यानी एक्स माइनस आइटा वाई 3 + 5 आइटा, ये कॉन्जुगेट है किसका, थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको पहले मानक रूप में लिखता हूँ, ये है -6 + आइटा -24 का, इसका कॉन्जुगेट है। तो आप कॉन्जुगेट निकालना तो प्लस की जगह भी क्या आता है माइनस, केवल इसका अंतर पड़ता है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो रहा है, देखो इसको मैं जब गुणा करूँ तो ये हो रहा है 3x + 5x आइटा, अभी गुणा हो रहा तो -3y आइटा, और माइनस तो ये था पर आइटा स्क्वायर हो जाना ना, पर 5y आइटा स्क्वायर हो तो आइटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस का प्लस, और ये हो रहा है 5y इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -6 - आइटा -24, ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट आ रहा है 3x + 5y प्लस, इनमें आइटा कॉमन लेंगे तो 5x - 3y इक्वल टू आ रहा है -6 + आइटा 24, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों सम्मिश्र संख्या इक्वल हैं, देन मुझे प्राप्त होगा दो समीकरण 3x + 5y इक्वल टू -6 और 5x - 3y इक्वल टू 24। तो ये दो समीकरण मुझे प्राप्त हो रहे हैं जिनकी मदद से आप इजीली इनको सॉल्व कर दो, जैसे आपने 10th में सॉल्व किया था ना, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इजीली इससे ना एक्स वाई का मान निकाल लोगे, और जब एक्स वाई का मान निकाल लोगे तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, जो कैलकुलेट करना था वो मिल रहा है, जो उसकी आपके पास इनको सॉल्व करना है, और आपके पास अब एक्स इक्वल टू मिलेगा 3 और वाई इक्वल टू मिल रहा है -3। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप कोई भी विधि आप अप्लाई कीजिए आपके पास, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, देखिए आपको दे दिया गया है कि ये जो समय संख्या क्यूब है वो इस समय संख्या के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है, आपको दर्शाना है कि एक्स यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4x2 - y2। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए एक बार, तो मैं करूँगा क्या, इसमें सबसे पहले इसके इस तरफ में जो क्यूब है इस क्यूब को खोल दिया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला जो पास उसके अनुसार देखो a³ + b³ भी लिख देते हैं, b³ + 3a² b (b) और +3ab² यानी आइटा वाई का स्क्वायर, ये तो आपके पास इस प्रकार से खुल गया इक्वल टू,
यू प्लस आई ठा वी, मतलब पहले इसको मानक रूप के जैसे लिखेंगे, यानी इसको भी सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो पास ये तो हो जाएगा एक्स क्यूब ऐसे ही। अब मुझे मालूम है कि आईटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आईटा, तो हो जाएगा माइनस आईटा वाई। अब यहाँ पर था आईटा, तो ये ऐसे रहेगा प्लस आईटा थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर आ रहा था आईटा स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो आईटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो आईटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस आईटा वी। जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये हो रहा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और आईटा वालों में जब मैं आईटा को बैलेंस ले रहा हूँ तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, ठीक वाई यहाँ पर क्यूब था ठीक, इक्वल टू यू प्लस आईटा। तो जब मैं दोनों पक्षों की तुलना कर रहा हूँ तो इससे मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों सम्मिश्र संख्या इक्वल है, तो u बराबर हो जाएगा, यानी इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मतलब v बराबर हो जा रहा है थ्री एक्स स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब। अब जो मुझे निकालना है वो ये है, तो देखिए आपके पास उसमें मैं u और v का मान रख देता हूँ, देन u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये मान मैं रख देता हूँ, ये इक्वल टू, मतलब आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो गया, प्लस वी था थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। तो ये अपॉन एक्स है, तो करेगा क्या ये एक्स, जिसमें इसमें जितने भी एक्स हैं दोनों पदों में उनमें से एक एक एक्स कम कर देगा, तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसमें से हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसी प्रकार से जब यहाँ पर y से डिवाइड होगा दोनों में तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ देखें, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, यानी फोर वैनिस्ट आपके पास पूरा प्राप्त हो रहा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या करना था हमें, यही हमें दर्शाना भी था। तो सिंपल से आपके पास क्वेश्चन आपके पास है, तो जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो भी आपके पास हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास थी इस चैप्टर पर आधारित विविध प्रश्नावली, कुछ क्वेश्चन आपके पास जो द्विघाते समीकरण वाले हैं वो सरल ही हैं, तो वो आप कर सकते हो आपके पास ठीक। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चैप्टर नंबर छठवां, यानी आपके पास रैखिक असमीकाएं या लीनियर इनइक्वलिटीज़, ठीक है, ओके।